कहा कसदुद्दीन ओवैसी की गर्दन को काट देंगे, मेरी गर्दन की फिक्र मत करो, मेरी गर्दन की फिक्र मत करो, मैंने तो अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर अपनी जान को अपने रब के हवाले कर चुका हूं। जन्नत के इवज में इंशाअल्लाह ताला अपनी जान को अपने रब के हवाले कर चुका हूं। वो मुझे खून के लुफड़े से जब बनाया है, जब वक्त आएगा चले जाएंगे, कोई नहीं टिकेगा इस दुनिया में, कोई नहीं टिकेगा। बड़े बड़े वजीर आजम आए, सबको जाना पड़ा, कितने प्रधानमंत्री आए, सबको जाना पड़ा, मैं भी जाऊंगा। तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपनी फिक्र करो कि मेरी गर्दन काटेंगे। गर्दन काटने से क्या हक की आवाज दब जाएगी? क्या गर्दन काटने से सच्चाई छुप जाएगी? क्या गर्दन काटने से जालिम के खिलाफ आप लोग नहीं लड़ेंगे? क्या गर्दन काटने से आप मजलूमों का साथ नहीं देंगे? क्या गर्दन कट जाने से आप इन जालिमों के खिलाफ एक शीशा पिलाई दीवार नहीं बनेंगे? आपको बनना है। और मैं इन लोगों से कह रहा हूं कि ये जान से मारने की धमकी मुझे मत दो। मैं जब 12 साल की उम्र का था, जब से अपने घर के सामने ये संघ परिवार के लोग हमारे घर के पास आकर नारे लगाते थे, मेरे छोटे भाई अकबर भी इसको जानते हैं, जिस पर हमारे घर के सामने आते थे और नारा लगाते थे कि मुसलमान खबरस्तान या पाकिस्तान, 15-20 लोग आते थे, हमारे एक ताया थे, वो जब भागते थे तो पूरी अपनी चप्पलें छोड़कर भाग जाते थे। मेरी गर्दन की अहमियत मत करो, भारत की फिक्र करो। भारत असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा है, भारत का कंपोजिट कल्चर हमारा एक कीमती खजाना है, इसकी हिफाजत करो। ये जो धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नरसिम्हार की जो बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई बोलो, बोलो अमित शाह तुम देश के होम मिनिस्टर हो, बोलो नरेंद्र मोदी तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम क्या मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हो? बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, क्या तुम होम मिनिस्टर नहीं हो मुसलमानों के? बताओ कांग्रेसियों, क्या तुम मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिए संविधान के तहत? कोई नहीं बोलेगा, मगर जब इलेक्शन आएगा उत्तर प्रदेश का, तो एक मुसलमान से डर दिखाएगा, एक बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर और हासिल करेंगे।